नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। 19th ऑफ अगस्त फॉर्म भरकर जमा करवाने की आखिरी तारीख है। फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे हैं, तो आपके कुछ सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से लेकर आई हूं। लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बहुत से पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं। मैं जल्दी से आपको बता देती हूं कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में सिर्फ रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली ही अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल के भी हो सकते हैं और वे रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल्स के भी हो सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में दाखिले के लिए, और प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और यह बात साफ कर दी है DOE के द्वारा कि 50% कम से कम उन स्टूडेंट्स को लिया जाएगा जो गवर्नमेंट स्कूल से हैं स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में। क्लास 11th में एडमिशन के लिए कम से कम 75% एग्रीगेट होना चाहिए क्लास 10th में, और बेस्ट ऑफ 5 का जिसे मैथ्स और साइंस ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। और क्लास 9th में एडमिशन के लिए 8th क्लास बच्चे की होनी चाहिए पास्ट विद मिनिमम 60% एग्रीगेट। और यह भी बताया गया है SC ST OBC नॉन क्रीमिलेयर और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन भी होगा, और उन्हें 5% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक तो रिलैक्सेशन मिलेगा और रिजर्वेशन भी है। 12 अगस्त को फॉर्म निकल चुके हैं। 19th ऑफ अगस्त फॉर्म भरकर जमा करवाने की आखिरी तारीख है। जो एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे वो 23 से 29 अगस्त के बीच में सभी स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस में हो जाएंगे, और अगस्त के एंड तक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, बच्चों को स्कूल्स अलॉट कर दिए जाएंगे, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी। अब लेती हूँ मैं कुछ सवाल कि हम कितने डोमेन्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस साल आप सभी जानते हैं सिर्फ स्टेम डोमेन में एडमिशन हो रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो आप स्टेम में ही अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल्स में ही रहना पड़ता है क्या? जी नहीं, ये रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है, यहाँ पर आवासीय सुविधाएं नहीं है। मॉर्निंग में स्टूडेंट्स आएंगे और दोपहर को घर चले जाएंगे, जैसे किसी भी आम स्कूल में यह एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। 11th ह्यूमैनिटीज़ के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? देखिए, ह्यूमैनिटीज़ में इस साल क्लास 11th में एडमिशन स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस में नहीं हो पा रहा है, इस साल सिर्फ स्टेम से शुरुआत की जा रही है। नर्सरी में एडमिशन क्यों नहीं होंगे इन स्कूल्स में? देखिए, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस की शुरुआत की जा रही है अभी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और प्रतिभा विद्यालय को जोड़कर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि 9th, 10th, 11th, 12th पर फोकस किया जाए ताकि स्टूडेंट्स को आगे बेहतर कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके। इसीलिए 9th से जितनी भी छोटी क्लासेस हैं उनमें दाखिला प्रक्रिया नहीं की जा रही है, उनमें दाखिले नहीं होंगे, स्कूल्स की शुरुआत ही 9th क्लास से होगी। मेरी बेटे के परसेंटेज 50 है, 11th क्लास में स्टेम में फॉर्म भर सकते हैं क्या? मेरे बच्चे ने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई करी है। देखिए, प्राइवेट स्कूल के बच्चों का एडमिशन तो होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम पासिंग परसेंटेज होनी चाहिए 75% अप्लाई करने के लिए क्लास 11th में स्टेम में। हालांकि SC ST OBC नॉन क्रीमिलेयर और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों को 5% एग्रीगेट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन उससे कम परसेंटेज पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 9th क्लास में एडमिशन कैसे होगा? देखिए, 9th क्लास में सभी स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस 20 के 20 हैं, सभी में एडमिशन होगा। तो 9th क्लास का एक बहुत अच्छा स्कोप है इसमें एडमिशन का। आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर जाना है जो कि है www.edudel.nic.in। मैं फिर से बताती हूँ, www.edudel.nic.in पर जाना है, और बाएं हाथ की तरफ गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन लिखा होगा, उसे क्लिक करना होगा, सबसे ऊपर ही स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस लिखा होगा, आप वहां पर क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस से है। कोशिश करती हूँ रोज स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस पर आधारित वीडियो लेकर आऊँ। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगी उस पर भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।